हेलो फ्रेंड्स, एक नई रेसिपी के साथ आपका फिर से वेलकम है कुक विद इमराना में। आज मैं आपके साथ चिकन बर्गर की रेसिपी शेयर करूंगी। मार्केट में 120 रुपए में मिलने वाला चिकन बर्गर, आज हम 120 रुपए में 6 चिकन बर्गर घर पे तैयार करेंगे, वो भी बहुत आसानी से और कम टाइम में। तो चलिए चिकन बर्गर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन बर्गर बनाने के लिए मैंने पाव भर बोनलेस चिकन लिया है और उसे अच्छी तरीके से साफ़ करके मैंने धो लिया है। अब चिकन को हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने एक छोटी साइज़ की प्याज ली थी और उसे फ्राई कर लिया है। अब फ्राई की हुई प्याज को भी हम चिकन में ऐड कर देंगे। नमक डालेंगे हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप इसमें कच्ची प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। अब इस चिकन को हम पीस लेंगे। देखिए चिकन हमारा पीस चुका है। अब चिकन को हम एक बड़े बर्तन में कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स बनाना बहुत आसान है। 1-2 ब्रेड लिए और उसे आप ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लें। इन दोनों चीज़ों को हम चिकन में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब हाथ पर हम हल्का सा तेल लगाएंगे और इनकी हम टिक्की तैयार कर लेंगे। जिस तरीके से हम कबाब बनाते हैं उसी तरीके से हम इनकी टिक्की तैयार कर लेंगे। बस हमें कबाबों से थोड़ी मोटी इनकी टिक्की रखनी है। यहाँ मैंने कुछ वेजेस ली हैं और उन्हें गोल गोल पतला पतला कट कर लिया है। अब गैस पर हम पैन को रखेंगे और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और ऑयल को हम गरम कर लेंगे। देखिए ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें हम चिकन टिक्की ऐड कर देंगे। सारी चिकन टिक्की को हम फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से। हम देखिए इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। सारी चिकन टिक्की तैयार हो चुकी है। अब इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने एक बर्गर बन लिया है और उसे इस तरीके से बीच में से हम कट कर लेंगे। मैंने 6 चिकन टिक्की तैयार की है, लेकिन मैं आपको 3 बर्गर बनाकर दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें बर्गर तैयार करना है। सबसे पहले हम बर्गर बन के नीचे वाले साइड पर हम मेयोनीज लगा लेंगे। इस तरीके से देखिए तीनों पे लगा लिया। अब इस पर हम एक चिकन टिक्की रखेंगे एक एक तीनों पर। अब इस पर जो हमने वेजेस काटी थी उसमें से हम खीरा रख देंगे। जो भी आपको वेजेस पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर लें। यहाँ मैंने सिर्फ शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और खीरा लिया है। अब देखिए शिमला मिर्च के ऊपर हम प्याज रख देंगे इस तरीके से और अब हम रखेंगे इस पर टमाटर। और जो ऊपर वाला साइड है उस पर हम केचप लगा देंगे। मार्केट में 120 रुपए में मिलने वाला बर्गर, देखिए घर में 120 रुपए में 6 बर्गर हमारे तैयार हो गए हैं और वो भी कितनी आसानी से और कितनी सफाई के साथ। बर्गर मैंने अवन में गर्म कर लिए हैं। लीजिए कितनी आसानी से और झटपट हमारे बर्गर तैयार हो चुके हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।